बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज ह्यूमन राइट, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन राइट्स। वी विल डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इन प्रीवियस क्लास वी टॉक अबाउट द टर्म व्हाट इज राइट, एंड देन वी डिस्कस व्हाट इट मेंट बाय ह्यूमन राइट्स। बेसिकली राइट्स जो हैं दे आर एसेंशियली लीगल, सोशल और इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट। राइट्स जो है वो हम कहते हैं, राइट इज द वर्ड राइट इज दैट विच अ पर्सन हैज अ जस्ट क्लेम टू और दैट विच बिलोंग टू अ पर्सन बाय लॉ, प्रिविलेज, ट्रेडिशन और नेचर। ये फंडामेंटल नॉर्म्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को टू एक्ट और टू आर बी ट्रीटेड इन अ सर्टन वे, कि वो एक सर्टन वे में एक्ट करे या उसको उस तरीके से एक सर्टन वे में ट्रीट किया जाए। ये जो राइट्स हैं दे दीज राइट्स कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें हमने कल भी बात की थी, राइट टू एजुकेशन, द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू मैरी एंड मैनी मोर। सो ये दे आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग फेयरनेस, जस्टिस एंड डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी। अगर हम जो है इसमें बात करें वेरियस टाइप ऑफ राइट्स की, तो हमने कल क्लास में भी देखा था, हमारे पास सिविल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, सोशल राइट्स हैं। तो ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो दीज ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स दैट ऑल पीपल हैव बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, कि ये वो राइट्स हैं जो तमाम लोगों के पास एक इंसान होने की हैसियत से होते हैं, पास होते हैं, उनके मौजूद होते हैं। ह्यूमन राइट्स आर ड्राइव फ्रॉम द इनहेरिटेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन एंड आर डिफाइंड इंटरनेशनली, नेशनली एंड लोकली बाय वेरियस लॉ मेकिंग बॉडीज। ये जो राइट्स होते हैं ये इनहेरिटेंट है टू ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसानों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी की किस किस कौम से है वो, किस कौन सी कौमियत है, सिटीजनशिप है उनके पास, एथनिसिटी है, रिलीजन है या कोई और अदर स्टेटस है। दे इंक्लूड राइट सच एज द राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड द राइट टू एजुकेशन। इसी तरीके से अगर हम जो अदर हमारे पास राइट्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें जैसे हमने बात की है लीगल राइट्स की या सोशल राइट्स की, तो सोशल राइट्स बेसिकली वो राइट्स होते हैं जो गारंटी करते हैं इंडिविजुअल को एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज एंड बेनिफिट इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल राइट टू सोशल जो राइट्स हैं उसमें हम राइट टू हेल्थ केयर की बात कर सकते हैं, राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हैं एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अदर जो एग्जांपल्स हैं इसमें बेसिकली ये जो राइट्स है ना, ये एक इंडिविजुअल की वेल बीइंग, ठीक है, और उसकी डिग्निटी के जो है उसको मेंटेन करते हैं सोसाइटी के अंदर। और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, तो ये पॉलिटिकल राइट्स जो है दीज राइट्स आर रिलेटेड टू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि ये एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल पावर को। इसमें इस एग्जांपल में पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास कौन से राइट हो सकते हैं, राइट टू वोट, ठीक है, द राइट टू रन फॉर ऑफिस एंड द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। लीगल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये राइट्स जो है ये रिकॉग्नाइज होते हैं या इन्फोर्स बाय अ लीगल सिस्टम होते हैं। इसमें आप अगर एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी राइट आ जाते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ जाते हैं एंड राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, ये राइट आ जाते हैं इसमें। उसके बाद सिविल राइट्स की अगर हम बात करें तो सिविल राइट्स जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल फ्रीडम को फ्रॉम इंफ्रिंजमेंट बाय गवर्नमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सिविल राइट में आता है, राइट टू प्राइवेसी है, ये भी सिविल राइट्स में आता है एंड राइट टू अ फेयर ट्रायल, ये भी आपका सिविल राइट में जो है वो आता है। तो ह्यूमन राइट्स जो है इसीलिए हम कहते हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं, ये एवरी इंडिविजुअल इज इनहेरिटेंटली इंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये राइट्स जो है ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, तमाम कहीं पे भी आप चले जाएं ये राइट आपको वहां पे यही सेम राइट मिलेंगे, यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। इसके बाद इनअलाइनेबल है कि आपको उससे कोई महरूम नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, एंड इनडिवाइजेबल है कि ये तकसीम इनकी नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकते, मीनिंग दे अप्लाई टू एवरी वन, कैन नॉट बी टेकन अवे, कि ये यूनिवर्सल का मतलब है कि ये सब पे अप्लाई होते हैं। इनअलाइनेबल ये है कि कैन नॉट बी टेकन अवे, कि आपसे कोई छीन नहीं सकता,
ठीक है, एंड आर इंटरकनेक्टेड, आपस में ये लिंक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. सो ह्यूमन राइट्स इनकम्पसेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग. ठीक है, ह्यूमन राइट्स का एम क्या है, मकसद क्या है, प्रोटेक्ट करे और प्रोमोट करे ह्यूमन डिग्निटी को, ह्यूमन इक्वालिटी को और ह्यूमन फ्रीडम को. ठीक है, इसका मेन एम यही है ह्यूमन राइट्स का, कि वो प्रोटेक्ट करे, प्रोमोट करे ह्यूमन डिग्निटी को, इक्वालिटी को एंड फ्रीडम को. एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, आप में से कोई बताएगा ह्यूमन राइट्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? राइट टू स्पीच, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लाइफ, वेरी गुड, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, गुड. बेसिकली ह्यूमन राइट्स इज डिफाइंड एज द सुप्रीम इनहेरिटेंट. ठीक है, एंड इनअलाइनेबल राइट्स टू लाइफ, टू डिग्निटी एंड टू सेल्फ डेवलपमेंट. इट इज कंसर्न विद इश्यूज इन बोथ एरियाज ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, फाउंडेड ऑन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स ऑब्लिगेशन. ह्यूमन राइट्स जो है बेसिकली इनहेरिटेंट इन नेचर का, अगर हम कहते हैं सुप्रीम इनहेरिटेंट है, तो इनहेरिटेंट इन नेचर का मतलब यही है कि ह्यूमन बीइंग जो है, सॉरी ह्यूमन राइट्स जो है बीइंग द बर्थ. ठीक है, राइट्स आर देयरफॉर इनहेरिटेंट इन ऑल द इंडिविजुअल रिस्पेक्ट ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड नेशनैलिटी. के ये जैसे एक इंसान पैदा होता है तो उसको ये राइट्स मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, नस्ल से हो, रिलीजन से हो, सेक्स से हो या नेशनैलिटी से हो. ये राइट्स जो है, ये आर दीज राइट्स आर दोज मिनिमम राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव अगेंस्ट द स्टेट आर पब्लिक अथॉरिटीज बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग मेंबर ऑफ ह्यूमन फैमिली इररिस्पेक्ट ऑफ एनी कंसिडरेशन. उसके बाद हम कहते हैं कि ये नेचुरल, हमने ऊपर भी बात की कि ये नेचुरल राइट्स होते हैं. नेचुरल राइट्स वही होते हैं जो किसी लेजिस्लेटर ने क्रिएट नहीं किए होते, बल्कि ये इंसान ह्यूमन को जो है वो बाय गॉड, अल्लाह ताला की तरफ से मिले होते हैं, नेचुरल होते हैं. ठीक है, फिर हमने बात की कि फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं फॉर मैन एग्जिस्टेंस. फंडामेंटल इन नेचर इस तरीके से है कि ह्यूमन राइट्स जो है ये इंटरनल इटरनल पार्ट होता है ह्यूमन बीइंग, नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, ये इजेंशियल है, जरूरी है फॉर डेवलपमेंट. ठीक है, और ये डेवलपमेंट किस चीज की करता है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की करता है, ह्यूमन क्वालिटीज उसके अंदर डेवलप करता है, इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, टैलेंट को डेवलप करता है, एंड कंसाइज एंड टू इनेबल देम टू सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल एंड अदर हायर डिमांड्स. तो बीइंग बोर्न एज ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल जो है वो पोजेस करता है सर्टन बेसिक एंड इनअलाइनेबल राइट्स विच आर कॉमनली नाउन एज ह्यूमन राइट्स. कि एक इंडिविजुअल जब एक इंसान पैदा होता है तो तब उसको ये राइट्स मिलते हैं जो उससे टेकन अवे नहीं किए जा सकते, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. व्हेन वी यूज द वर्ड इनअलाइनेबल राइट्स, इनअलाइनेबल का मतलब यही होता है, दीज राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन. ये राइट हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना ही जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, बल्कि बिकॉज नो वन गिव्स दीज राइट्स एंड नन नन कैन टेक अवे फ्रॉम एनीवन. ठीक है, ना तो ये आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कोई किसी से आप छीन सकते हैं. दीज राइट्स आर इनअलाइनेबल, इसीलिए इनको हम इनअलाइनेबल राइट्स कहते हैं. ठीक है, क्योंकि आप इसको दूसरी टर्म में ये भी कह सकते हैं कि बर्थ राइट्स होते हैं. फिर हमने बात की कि जो ह्यूमन राइट्स हैं ये यूनिवर्सल होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब यही है, दे बिलोंग टू एवरीवन. ठीक है, नो मैटर व्हाट देयर रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस आर प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज देयर कोर आइडियाज आर कॉमन टू ऑल रिलीजन, फेथ्स एंड मॉरल कोड. ठीक है, एंड क्रॉस नेशनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज. क्योंकि हर, आप किसी भी जगह पे दुनिया में चले जाएं तो सब इस चीज की फेवर में है कि एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू क्या कहते हैं, फ्री ट्रायल है. ठीक है, फ्री फ्रॉम टॉर्चर है, तो उसके राइट टू वोट है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसको सोशल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल राइट कहा जाता है.
इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो अ कम्युनिटी ऑफ ट्राइबल पीपल हैज अ राइट टू स्पीक इट्स ओन लैंग्वेज, ठीक है। एक ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसको ये राइट है कि वो अपनी कबाइली जुबान जो है वो बोले एंड प्रिजर्व करे इट्स वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड होती है। दीज डोंट देमसेल्फ वायलेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल आर कम्युनिटीज, तो वो किसी और जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उसको नहीं वायलेट कर रहे। फिर हम कहते हैं ये इंटर रिलेटेड है और इनडिवाइजेबल है। ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को हम जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये इंटर रिलेटेड है और इनडिवाइजेबल है। तो इंटर रिलेटेड है इनडिवाइजेबल में हम इसको इस तरह से देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स आर कॉल्ड बाय वेरियस नेम्स एंड समटाइम्स सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज लाइक सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स एंड कल्चरल राइट्स। सो एवरी राइट्स डिपेंड ऑन एन अदर राइट्स फॉर इट्स फुलफिलमेंट, ठीक है। कोई भी राइट जो है हम उसको एक इन रियलिटी इस तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि अगर हम किसी दूसरे राइट को छोड़ दें। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनडिवाइजेबल है कि हम इनको तकसीम नहीं कर सकते और ये इंटर रिलेटेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल द राइट इज एजुके द राइट टू एजुकेशन जो है इज क्लासिफाइड एज अ सोशल राइट, ठीक है, ये एक सोशल राइट है, बट इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर ऑल पर्सन टू गेट दैट राइट इफ देयर वाज नो राइट टू इक्वालिटी और इफ देयर वाज नो गॉड टू अपहोल्ड दैट राइट। अगर इक्वालिटी ही नहीं है सोसाइटी में तो सारे लोग किस तरह एजुकेशन हासिल करेंगे, तो वो एजुकेशन का जो राइट है वो फिर क्या हो जाता है, स्नब हो जाता है। तो इसीलिए ये जो हम डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसमें कि ह्यूमन राइट्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इनअलाइनेबल। ह्यूमन राइट्स आर राइट्स इनहेरिटेंट टू ऑल ह्यूमन बीइंग व्हाटएवर आर नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सेक्स, नेशनल और एथनिक ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। सो वी ऑल आर इक्वली इंटाइटल्ड टू आर ह्यूमन राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस, दीज राइट्स ऑल आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिवाइजेबल। ह्यूमन राइट्स की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हमने अभी एक इसकी डेफिनेशन देखी है कि थोड़ी देर पहले कि ये राइट्स वो होते हैं जो लोगों को अवेलेबल होते हैं बाय वर्चू ऑफ बीइंग ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसमें हम ह्यूमन की डिग्निटी को, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को नेशनली, इंटरनेशनली एंड लोकली जो है वो क्या कहते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बाय लॉ मेकिंग जो अथॉरिटीज है, बॉडीज है, वो कर रही है। इसीलिए इसको जो है वो सुप्रीम इनहेरिटेंट या इनअलाइनेबल जो है वो राइट्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ राइट आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ राइट में राइट्स की हमने बात की थी कि वो मोरल पावर होते हैं, ठीक है। राइट्स के आपके पास मोरल पावर है, तो राइट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है टू होल्ड, ठीक है, जिसको आपने होल्ड करके रखना है। उसमें कौन कौन से हैं? राइट टू लाइफ है, नेशनैलिटी है, ओन प्रॉपर्टी है, रेस्ट एंड लेयर है। राइट टू होल्ड ये, ठीक है। राइट टू जो हमारे करने के राइट्स हैं उसमें कौन से हैं? राइट टू मैरी, शादी करने का, पीसफुल असेंबली, रन फॉर पब्लिक ऑफिस एंड एजुकेशन। फिर हमारे पास है राइट टू ओमिट, ठीक है, वो कौन कौन सा है? फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूएल, इनह्यूमन आर डिग्रेडिंग पनिशमेंट, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेटरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल, टू एग्जैक्ट समथिंग, राइट टू एग्जैक्ट समथिंग। इसमें हमारे पास है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि राइट्स आर द थिंग्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्म, कि राइट्स वो चीजें होती हैं जो हमें हार्म से प्रोटेक्ट करती हैं, महफूज करती हैं किसी भी नुकसान से, ठीक है। फिर उसमें हमने कल एक एग्जांपल भी की थी कि थिंक ऑफ अ बेबी दैट हैज नॉट आस्क टू कम इन द वर्ल्ड, कि जिसने खुद नहीं कहा कि मुझे दुनिया में आना है, ठीक है। सो व्हाट आर द बेसिक राइट्स यू थिंक एनी चाइल्ड शुड एक्सपेक्ट? एक बच्चा कौन से बेसिक राइट्स जो है वो एक्सपेक्ट करता है? गुड, वेरी गुड। सबसे पहला राइट तो उसका है कि मुझे जिंदा रहने दो, राइट टू लिव। फूड, वेरी गुड, राइट टू फूड। केयर, वेरी गुड। शेल्टर, गुड, वेरी गुड। सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन,
वेरी गुड एजुकेशन, वेरी गुड। तो सबसे पहला राइट जो है, द राइट टू लिव है, यानी कि टू बी अलाउड टू लिव। दूसरा है टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, कि बच्चे को जो है वो डिजीज से, किसी भी बीमारी से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म, टू हैव फूड एंड ड्रिंक। हम एक बच्चे की बात करें ना, कि बेसिक वो क्या एक्सपेक्ट करता है, तो बेसिक ह्यूमन थिंग्स सच एज दीज दैट वी शुड ऑल एक्सपेक्ट टू हैव वेयर एवर वी लिव हैव बिकम नाउन एज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज दैट ईच पर्सन इज स्पेशल विद देयर ओन इंडिविजुअल टैलेंट एंड एबिलिटीज, एंड दैट नो वन इज इंफीरियर आर सुपीरियर टू अनदर। ह्यूमन राइट्स जो है, जो इंसानी हकूक है, वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं कि हर इंसान जो है वो स्पेशल है, खास है। हर इंसान की जो है वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑनर है, इज्जत है, डिग्निटी है। हर इंसान के पास, हर इंसान स्पेशल इस तरह इन अ वे है कि हर इंसान के का अपना एक टैलेंट है, उसकी अपनी एक सलाहियतें हैं, और कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से ना तो इंफीरियर यानी कि नीचे है, और ना सुपीरियर, ना उससे ऊपर है। ठीक है, तो ऑल पर्सन आर इंटाइटल टू लिव विद डिग्निटी। तमाम इंसान जो है उनको जो है वो डिग्निटी के साथ जो है वो जिंदगी गुजारे। एंड नो वन, द स्टेट, द कम्युनिटी, द फैमिली आर सोसाइटी हैज एनी राइट टू डिस्क्रिमिनेट आर टू ट्रीट एनी वन अनफेयरली और अनजस्टली। कि किसी भी स्टेट के पास, मुल्क के पास, कम्युनिटी के पास, या फैमिली के पास, सोसाइटी के पास ये हक नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट करे, यानी कि फर्क करे, ठीक है, या किसी को अनफेयरली जो है वो ट्रीट किया जाए। जो पर्पज होता है वो यही है कि सिक्योर करे ह्यूमन राइट्स को, एज सच आर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज राइट्स अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ पावर। ठीक है, ह्यूमन राइट्स का मतलब यही है कि वो प्रोटेक्ट करे, कि जो अगर किसी बंदे के पास पावर है तो वो उस पावर का मिसयूज ना करे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करना जो प्रमोट करे जो है वो एक हेल्दी लिविंग को, ठीक है, एक हेल्दी कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करे। इसके अलावा ये ह्यूमन राइट्स इसलिए भी बनाए गए हैं कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, कि एक शख्सियत की जो डेवलपमेंट है उसमें जो है वो एक नुमाया किरदार जो है वो अदा करती है। इसके अलावा अगर हम इसमें देखें, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस भी हैं जो हम जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बात की थी यूनाइटेड नेशन की, द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो है उसने इसके ऊपर जो है वो बात की थी कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो कैसे हुई है, उसको हम देखेंगे। उसमें हम मैग्ना कार्टा को पढ़ेंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स हम देखेंगे इन वर्ड्स ऑफ वेरियस थिंकर, जिसमें हम थॉमस हॉब्स को पढ़ेंगे, हेनरी पार्कर को देखेंगे, विलियम वेल को देखेंगे, जॉन लॉक को देखेंगे, जॉन ऑस्टन को देखेंगे, मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें फिर कुछ जो है वो बिल पास हुए थे, इसको सिर्फ हम ना उसके, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैज नाउ साइन द अबव एग्रीमेंट सेइंग दैट द एग्री विद हैव फाइव बेसिक ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ये अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 को इसको अडॉप्ट किया गया। ये सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था जो अडॉप्ट किया था यूएन ने इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट। ठीक है, और इसको जो है 48 स्टेट्स ने जो है वो आउट ऑफ 58, 58 में से 48 जो स्टेट्स हैं उन्होंने इसको अप्रूव किया था, और किसी ने भी इसके अगेंस्ट जो है वो वोट जो है वो नहीं किया था। 8 उसमें से एब्सेंट थी। ठीक है, डिक्लेरेशन जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो प्रमोट करे, एक न्यूक्लियस का काम करे। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन राइट्स का काम करे इन ऑल कंट्रीज, और फोस्टर करे ए कॉमन एटीट्यूड को इन ऑल कंट्रीज जो है इसमें। इसमें सब यही बात की गई थी कि इसमें रिकॉग्नाइज किया गया था ह्यूमन राइट्स को कि वो इनहेरिटेंट है। ठीक है, डिग्निटी के ऊपर बात की गई, इक्वल एंड इनअलाइनेबल राइट्स के ऊपर बात की गई, कि ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम, जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड। ये जो डिक्लेरेशन है, ये इसकी कोई लीगल इज नॉट लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, बट ये इसके जो है कुछ ऐसी ही चीजें थी जो लॉ के अंदर जो है वो इंक्लूड की गई। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है उसने एक लिंक को क्रिएट किया बिटवीन द रूल ऑफ लॉ एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ ह्यूमन राइट बाय असर्टिंग दैट ह्यूमन राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लॉ।
इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास 5 राइट्स की बात की गई, उसमें सबसे पहले इक्वालिटी इन राइट्स की बात की गई कि ऑल पीपल शुड हैव द सेम राइट, कि जो भी एक सोसाइटी है और उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं उन सब के जो राइट्स हैं वो सेम होने चाहिए। उसके बाद जो है द राइट टू लाइफ की बात की गई कि ऑल पीपल शुड बी अलाउड टू लिव, के तमाम लोगों को जो है वो जिंदा जो है वो रहने देना चाहिए या वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जो है वो गुजारे। फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी है कि नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड टू वर्क विदाउट फेयर पे एंड कंडीशन, ठीक है, कि किसी भी आप फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी से यही है गुलामी से निजात के आप किसी भी पर्सन को किसी भी शख्स को फोर्स नहीं कर सकते, उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते काम करने के लिए, कि अगर आप उसको एक फेयर पे जो है मुनासिब जो है वो आमदनी इनकम नहीं दे रहे या उसके लिए एक ऐसे मुनासिब जो है वो आप वर्किंग कंडीशन नहीं पैदा कर रहे। द राइट टू फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल में यही है कि पीपल शुड बी एबल, के लोग जो है इतनी उनमें इतने कैपेबल होने चाहिए टू डिफेंड देम सेल्फ, के वो अपने आप को डिफेंड कर सके इफ दे आर एक्यूज ऑफ समथिंग रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पीपल शुड बी एबल टू से वट दे वॉन्ट एज लॉन्ग एज इट इज इट डज नॉट गो अगेंस्ट द लॉ और अनदर ह्यूमन बींग, के लोग जो है वो उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए कि जो कहना चाहते हैं वो कह सकें, किसी चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन दे सके, बट वो जो स्टेट लॉ है उसके अगेंस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन राइट की, उसमें हमने बात की थी यूनिवर्सल की, के जो है ह्यूमन राइट्स जो है वो यूनिवर्सल है, तो यूनिवर्सल में हमने बात की थी कि इसका मतलब ये होता है कि ये दे बिलोंग टू एवरीवन नो मैटर व्हाट देयर रेस रिलीजन कास्ट क्लास इकोनॉमिक स्टेटस और प्लेस ऑफ बर्थ, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल बिकॉज आप कहीं पे भी चले जाएं तो ये आपके राइट सेम होंगे, इंटरनेशनली गारंटेड। अभी हमने यूएन की बात की कि 1948 में जो है वो ये डिक्लेरेशन हुआ जिसको 48 कंट्रीज ने साइन किया, तो इंटरनेशनली जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया, लीगली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स को, और इसके बाद जो है वो हम कहते हैं कैन नॉट बी टेकन अवे, इन अलाइनेबल राइट्स हैं कि आप ना तो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं ना ही किसी से ले सकते हैं, इक्वल एंड इनडिवाइजेबल होते हैं कि तमाम लोगों को इक्वली अवेलेबल है। इनडिवाइजेबल से हमारी क्या मुराद है, इनडिवाइजेबल से कि हम इनडिवाइजेबल से हमारी मुराद ये है कि हम इसको डिवाइड जो है वो नहीं कर सकते, ये इंटर रिलेटेड है इंटरकनेक्टेड है। जैसे हमने एजुकेशन की एग्जांपल की कि अगर कोई बंदा जो है वो एजुकेशन के राइट को एंजॉय करना चाहता है तो ही शुड हैव और ही मस्ट हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी टू, कि उसको इक्वल चांसेस मिलेगा तो वो राइट टू एजुकेशन जो है वो उसको अवेल कर सकेगा। फिर ओब्लाइज स्टेट्स एंड स्टेट एक्टर्स, स्टेट एंड स्टेट एक्टर्स जो होते हैं वो ओब्लाइज हैं कि वो इसको सोसाइटी के अंदर जो है या कम्युनिटी के अंदर या स्टेट के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करें। देन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स